ये कहानी है एक पीड़ित महिला की जिनको दो ऑपरेशन भी ठीक नहीं कर पाए। इसके विपरीत उनको ऑपरेशन में अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। ये कहानी है उन माँ बाप की जो इस सोच से कि शादी के बाद बेटी की जिम्मेदारी ससुराल वालों पर होती है, उस सोच से आगे बढ़ के भोपाल से एम्स उसका इलाज कराने के लिए एक महीने से एम्स के बाहर बैठे हुए हैं। परिवार में कौन कौन है? दो बच्चियां हैं और दो बच्चियां। तो यहाँ आने की वजह क्या थी? कॉमन हेल्प के लिए। तो आपको कितना टाइम हो गया? 2020 से प्रॉब्लम थी। 2020 से आप एम्स को डिफेम करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं इनकी बस हेल्प करना चाहती हूँ। हेल्प के लिए मैंने उनका नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो आप कोई भी छोटा मोटा काम हो जो आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, जो उनको आप बता सकते हैं, जो वो कर सकते हैं, आप कॉल करके उनको वो काम बता सकते हैं जिससे कि उनकी हेल्प हो जाए। क्योंकि फिलहाल जो भी वो खेती और जो भी वो एज डेली वेज वर्कर काम करते थे, ट्रीटमेंट की वजह से वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन हो जो उनके लिए हेल्पफुल हो, आप उनको वो प्रोवाइड करा सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, आयुष्मान कार्ड ने उनकी सेकेंड ऑपरेशन में काफी हेल्प करी। इस तरीके की कोई भी स्कीम या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, प्लीज उसको प्रोवाइड कराइए। और एम्स में किस तरीके का प्रोसीजर रहता है और किस तरीके से ट्रीटमेंट जल्दी ले सकते हैं, उस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आप पर्सनली उनसे मिलना चाहते हैं या फिर उनकी कोई हेल्प करना चाहते हैं, तो एम्स में जहां वो बैठते हैं उसकी लोकेशन मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपसे अलविदा लेती हूँ। मेरा नाम था रंजना, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।